हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल स्पॉट साइकोलॉजी। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ हर्मन रॉर्शाच। यानी आज हम उस बंदे के बारे में बात करेंगे जिसने इंक ब्लॉट टेस्ट के बारे में बताया, और जानेंगे कि उसकी लाइफ की क्या लेगेसी थी इस कॉन्सेप्ट को देने के दौरान। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट इट। दोस्तों, हर्मन रॉर्शाच 8 नवंबर 1884 में ज्यूरिच यानी स्विट्जरलैंड में पैदा हुए। हर्मन रॉर्शाच एक फेल्ड आर्ट टीचर का सबसे बड़ा बेटा था। हर्मन रॉर्शाच को जो है बचपन से ही इंक ब्लॉट में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी, क्योंकि उसके फादर एक आर्टिस्ट थे और उसका काम ही था रंगों से खेलना। इसी वजह से हर्मन रॉर्शाच को बचपन से ही रंगों से बहुत ज्यादा दिलचस्पी रही थी। हालांकि जब वो सेकेंडरी स्कूल में था तो उसे निक नेम क्लेक्स के नाम से जाना जाता था, और क्लेक्स का लिटरली मीनिंग होता है इंक ब्लॉट। जब रॉर्शाच 12 इयर्स का था तो उसकी मदर की डेथ हो गई, और जब वो 18 ईयर का हुआ तो उसके फादर भी इस दुनिया से चल बसे। हाई स्कूल के बाद हर्मन रॉर्शाच ने ग्रेजुएट ऑनर्स किया और एक कॉलेज को ज्वाइन किया ताकि वो मेडिकल डिग्री में अपने कैरियर को बना सके। 1912 में हर्मन रॉर्शाच ने यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच को ज्वाइन किया, जहां से उसने मेडिकल की डिग्री हासिल की और बहुत सारे मुख्तलिफ मेंटल इंस्टीट्यूशंस में भी काम किया। 1911 में यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच में अपनी ट्रेनिंग के दौरान हर्मन रॉर्शाच ने बहुत सारे स्कूल चिल्ड्रंस पे इंक ब्लॉट टेस्ट अप्लाई किए, यानी उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया। और ये एक्सपेरिमेंट ऐसे बच्चों पे परफॉर्म किया जो कि आर्टिस्टिकली गिफ्टेड चिल्ड्रन थे। हर्मन रॉर्शाच का मानना ये था कि ऐसे चिल्ड्रन जो गिफ्टेड होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इमेजिनेटिव होते हैं, और उनसे हम उनकी पर्सनैलिटीज का इजीली पता चला सकते हैं कि उसमें कौन से पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं। ये किया जाने वाला काम ना सिर्फ उसके कैरियर को चेंज करने वाला था, बल्कि साइकोलॉजी की फील्ड में भी एक नई राह ओपन करने वाला था। ये अलग बात है कि उसके रिजल्ट्स उससे गुम हो गए थे। बाद में हर्मन रॉर्शाच ने जो है एक तैया किया कि मैं 10 साल इस चीज पे काम करूंगा और पर्सनैलिटी ट्रेट्स को सिंपली इंक ब्लॉट्स के जरिए जानने की कोशिश करूंगा। क्योंकि हर्मन रॉर्शाच बहुत सारे मेंटल हॉस्पिटल में काम कर चुका था तो उसके पास पेशेंट्स के लिए इजीली एक्सेस थी। तो उसने बहुत सारे ऐसे पेशेंट जो कि मेंटली और इमोशनली स्टेबल हैं, उन पे अपने जो है इंक ब्लॉट टेस्ट को अप्लाई किया। हर्मन रॉर्शाच ने जो है एक सिस्टमैटिक इंक ब्लॉट टेस्ट को अप्लाई किया और उनकी पर्सनैलिटी को एनालाइज करके कुछ रिजल्ट्स फाइंड आउट किए। 1921 में हर्मन रॉर्शाच ने अपनी बुक द साइको डायग्नोस्टिक को पब्लिश किया। इस बुक में उसने अपनी कुछ मिक्स्ड थ्योरीज के बारे में बताया, और उसने एक बहुत मेन आर्ग्यूमेंट भी दिया कि जितने भी लोग होते हैं उनके अंदर इंट्रोवर्सिव और एक्सट्रोवर्सिव पर्सनैलिटीज का एक मिक्सचर होता है, और इन पर्सनैलिटीज को हम इंटरनल और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस के जरिए जान सकते हैं। हर्मन रॉर्शाच का मानना यह भी था कि हम इन पर्सनैलिटीज में से चंद पर्सनैलिटीज को मेजर कर सकते हैं, और इन पर्सनैलिटीज को मेजर करने के साथ साथ हम उनकी मेंटल एबनॉर्मलिटीज और स्ट्रेंथ को भी जान सकते हैं। जब हर्मन रॉर्शाच की फर्स्ट बुक जो है मार्केट में आई तो बहुत सारे साइकेट्रिक कम्युनिटी ने उस बुक से इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनका मानना ये था कि पर्सनैलिटी को कभी मैयर और टेस्ट किया ही नहीं जा सकता। लेकिन 1922 में जब उन साइकेट्रिस्ट ने इस तरीके को यूज किया, इंक ब्लॉट टेस्ट के तरीकों को यूज, तो उन्हें बहुत सारे बेनिफिट हासिल हुए क्लाइंट को डील करने में और क्लाइंट की पर्सनैलिटी को मेजर करने में। इन सभी कामों के चलते दौरान हर्मन रॉर्शाच के एब्डोमिनल में अक्सर पेन रहता था, और 1 अप्रैल 1922 में उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, क्योंकि उसे बेसिकली अपेंडिक्स की प्रॉब्लम थी। लेकिन अफसोस के साथ अप्रैल 1922 में हर्मन रॉर्शाच इस दुनिया से चल बसे, और एक बहुत ही अफसोस की बात है कि वो सिर्फ 37 इयर्स का ही था, यानी उसकी उम्र के सिर्फ 37 साल ही थी, और उसने अपनी लाइफ में अपने इंक ब्लॉट टेस्ट यानी अपने किए जाने वाले काम की सक्सेस को नहीं देख पाया।
आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।